61 साल की उम्र में जयपुर की विवेकानंद कॉलोनी की इस गली में दौड़ लगाने वाले ये हैं रईस साहब। रईस साहब की सच्ची कहानी उन लोगों को जरूर प्रोत्साहित करेगी जो सालों से घुटनों या कमर के दर्द से परेशान हैं और अब तक ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि जो शख्स खड़े नहीं हो पाता था वो आज दौड़ लगा रहा है। चलते चलते एकदम मूवमेंट खत्म हो जाना पाँव का, लगता है मेरे को चल रहा हूँ मगर वो पाँव काम ही नहीं कर रहा था, वो हाथ पर में दर्द रहता, सुस्ती रहती थी बदन में पूरी। जयपुर में टेलर का कारखाना चलाने वाले रईस साहब के घुटनों में दर्द का यह आलम था कि खड़े खड़े गिर जाते थे, पैरों में जान नहीं होती थी और घुटनों का मूवमेंट खत्म हो चुका था। अच्छा, हमें ये पता चला था कि आप स्कूटी भी नहीं चला पाते थे और कई बार गिर चुके हैं घुटनों के दर्द की वजह से। पर चलते चलते एकदम मूवमेंट खत्म हो जाता, पांव एकदम गिर गए। 2 साल से घुटनों के दर्द की समस्या से जूझ रहे रईस साहब ने कभी इन 2 सालों में डॉक्टर को नहीं दिखाया। उन्हें डर लगता था कि कहीं डॉक्टर ऑपरेशन ना कर दे। कोई डॉक्टर को नहीं देखा, मैं अंग्रेजी दवाई भी नहीं लेना चाहता था, डॉक्टर तो वो अपना इलाज करते, मैं उससे डर रहता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है। एक रोज रईस साहब ने गोंदसिया के इस्तेमाल से घुटनों के दर्द में राहत पाने वाले एक पेशेंट का वीडियो देखा, जिससे इन्हें भी हकीम सुलेमान खान जी पर विश्वास हुआ और इन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बताई। रईस साहब को शुगर भी है, इसलिए इन्हें गोंद जामुन और जैतून का सिरका लेने के साथ घुटनों के दर्द के लिए गोंदसिया लेने की सलाह दी गई। सिर्फ 2 महीने गोंदसिया के सेवन के बाद आज रईस साहब को आप खुद देखिए। वो तो मैं एक बार मोबाइल देख रहा था, मोबाइल के अंदर देखा तो मैंने ठीक है सोचता रहा, फिर एक दिन मैंने फोन लगा ही दिया। उनको आपने समस्या बताई? हाँ, मैंने बताई ये चीज़ है। कौन सी दवा का सलाह दिया आपको, मशवरा दिया? काला गोंद को दिया, गोंदसिया। रईस साहब की सच्ची कहानी को देखने और इनसे मिलकर इनकी सेहत का हाल जानने हम पहुँचे जयपुर की विवेकानंद कॉलोनी, जहाँ इनका कारखाना है। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ रिजवान खान और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर में, और जयपुर शहर का ये विवेकानंद कॉलोनी है। इस कॉलोनी में हम आपको दिखाने लाए हैं एक सच्ची कहानी ऐसे शख्स की, ऐसे व्यक्ति की, जो 2 साल से घुटनों और कमर के दर्द से बहुत परेशान थे। इसी गली में उनका कारखाना है, यहाँ वो काम करते हैं, कारोबार है उनका, और पिछले 35 सालों से वो इस कारोबार में हैं। पिछले 20 सालों से इस इलाके में वो अपना कारोबार करते हैं और उनका जो काम है वो भी आप देखेंगे कि खड़े होकर उनका काम करना होता है और उनके काम में कितनी मेहनत है, इसलिए उनके घुटनों और कमर में दर्द शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक है। तो ये हैं रईस अहमद साहब, हम आपसे मिलने आए हैं और आपकी सच्ची कहानी लाखों करोड़ों लोग आपको देखेंगे। तो ये आपकी स्कूटी है? हाँ जी। तो मुझे लेके चलिए, आप कहाँ जाएंगे? मेरे को कारखाने चलते हैं। आइए, हम चलते हैं कारखाने में। तो दर्शकों, ये रईस अहमद साहब हैं, ये इनका कारखाना, यही कारखाना? हाँ जी। अच्छा, हमें ये पता चला था कि आप स्कूटी भी नहीं चला पाते थे और कई बार गिर चुके हैं। हाँ जी, घुटनों के दर्द की वजह से। दर्द की वजह से तो समस्या क्या होती थी, मतलब किस तरह गिर गए थे आप? बस चलते चलते एकदम मूवमेंट खत्म हो जाता, पाँव एकदम गिर गए। अच्छा, मतलब जान नहीं रहती थी पैरों में? जान नहीं रहती थी। तो उससे और ज़्यादा चोट आई थी आपको? हाँ, थोड़ी लग गई थी। अब बिल्कुल चला रहे हैं स्कूटी? हाँ जी, बिल्कुल चला रहा हूँ। अब उतरिए आप। वाह, ये देखिए, मतलब पहले इन्होंने बताया कि जब घुटनों में इनके दर्द था 2 महीने पहले तक, यानी 2 साल से परेशान थे आप इस समस्या से, तो आप स्कूटी भी चला नहीं पा रहे थे, 2 बार आप गिर गए क्योंकि आपके पैरों में जान नहीं रहती थी और ये गिर जाते थे स्कूटी खड़ी करने के वक्त। चला तो लेते थे लेकिन जब खड़े करने की बारी आती थी तो ये 2-3 बार गिर गए, जिससे इन्हें और चोट लगी। लेकिन अब देखिए, आपके सामने स्कूटी वहाँ से चला के लाए, खड़ी भी किए और माशाल्लाह अब अच्छे से खड़े भी हैं। आइए अंदर चलते हैं, इत्मीनान से बात करेंगे। हाँ जी, आइए। तो कारखाने में आ चुके हैं, तशरीफ रखिए रईस साहब। तो हम रईस अहमद साहब के कारखाने में मौजूद हैं। पिछले 20 सालों से आप यहाँ पर हैं? हाँ जी। अच्छा, 20 सालों से यहाँ। ये कपड़े सीते हैं, कपड़ों का कारखाना है और जयपुर के निवासी हैं रहने वाले। आपको ये बता दूं कि समस्या जो थी ये खुद बताएंगे। हम जयपुर आए हैं बहुत दूर से सिर्फ इनसे मिलने के लिए और इनकी सच्ची कहानी आपको दिखाने के लिए। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको बता दूं कि इनके घुटनों में कमर के दर्द में बहुत समस्या थी 2 साल से, और ये ऐसी परेशानी आ गई थी कि उठना बैठना भी इनका बंद हो गया था।
चलने फिरने में भी इनको परेशानी होने लगी थी क्योंकि इनका काम जो है वो खड़े होने का है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़े हैं और वाकई 2 महीने में आपने देखा स्कूटी भी चला के लाए और कितनी परेशानी इनकी दूर हुई है ये हम इन्हीं से जानेंगे। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले रईस साहब कि आपका जो आपकी जो समस्या थी जो परेशानी थी क्या थी और कितने समय से थी? मेरे को साहब 2 साल से थी ये परेशानी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द। आपने कितनी जगह इलाज करवाया? मैंने 1-2 जगह इलाज करवाया और आराम नहीं मिला। जब मैंने फिर वीडियो देखा हकीम साहब का उसके बाद मैंने जो है कौन सा मंगवाया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये परेशानी आपको क्या लगता है कि किस वजह से हुई थी, क्या कारण था इसका जो आपके घुटनों में दर्द बढ़ना शुरू हो गया? वही मैंने सोचा कि शायद उम्र की वजह से हो, इस चक्कर में कि लोज ख़त्म हो गया। जब उन्होंने बताया कि गोंद से हमें ये फ़ायदे हैं तो फिर मैंने मंगवाया इसको। यानी आपकी एज क्या है पहले ये बताइए? 61 साल। 61 साल की उम्र में आपको ये लगा कि ये हो सकता है उम्र का तकाजा है इसलिए आपके घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गया, ये कहा? ये किसी ने कहा था आपसे? नहीं, किसी ने कहा। तो आपको कैसे लगा कि ग्रीस ख़त्म हो जाता है तो दर्द शुरू हो जाता है? भाई एकदम लोज ख़त्म हो गया ना पाँव का, तो पाँव में जी बताइए जैसे चलते चलते एकदम मूवमेंट ख़त्म हो जाना पाँव का। अच्छा, एकदम लगता है मेरे को कि चल रहा हूँ मगर वो पाँव काम ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा लगता था कि जान ही नहीं है पाँव में, पाँव में जान ही नहीं है। किस तरफ दर्द था आपको? घुटनों में दर्द था, मतलब मूवमेंट नहीं होता था, मुड़ते नहीं थे, मुड़ने में दिक्कत थी। अच्छा, ऐसा लगता था कि जाम हो गए? बिल्कुल जाम हो गया, बिल्कुल, और बिल्कुल जान नहीं रही। बिल्कुल जान नहीं रही। तो आपने इलाज करवाना ज़रूरी नहीं समझा? 2 साल से ये समस्या थी, कोई डॉक्टर को नहीं देखा, मैं अंग्रेजी दवाई भी नहीं लेना चाहता था असल में। मतलब आपको क्या डर था कि डॉक्टर को दिखाएंगे तो हो सकता है ऑपरेशन के लिए भी बोले? ऑपरेशन के लिए बोलते हो? मतलब आप ऑपरेशन में डर गए थे इसलिए एलोपैथी नहीं लेना चाह रहे थे? हाँ, इसलिए नहीं लेना चाह रहे। अच्छा, आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी इस दर्द के बाद? मतलब कितना जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, कितनी परेशानियाँ खड़ी हो गई? परेशानी तो बहुत हो गई थी, उठने बैठने में हर चीज़ में परेशानी, चलने में परेशानी। क्या ना, आप अपने कारोबार पर ध्यान दे पा रहे थे सही से? नहीं, कारोबार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं? मेरे 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। और आपकी अहलिया? अहलिया। तो इन सब को जब ये मालूम हुआ कि आपके जीवन में ऐसी परेशानी शुरू हो गई घुटनों में, तो ये भी परेशान हुए? हाँ, ये भी परेशान हुए, दवाई ले लो पापा, दवाई ले लो, मगर मैंने ली नहीं दवाई डॉक्टर से। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे साथ ही काम करते हैं, दुकान बैठते हैं। दुकान पर बैठते हैं, अभी आप अकेले हैं? हाँ जी। मैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसा हमें पता तो चला कि ऑपरेशन की वजह से ये एलोपैथी आप नहीं लेना चाहते थे, लेकिन क्या बस यही एक कारण था कि आपने इतनी शदीद दर्द को महसूस करते रहे 2 साल तक और इलाज नहीं करवाया? तो बड़ी बात है। वो तो साहब, वो डॉक्टर तो वो अपना इलाज करते, मैं उससे डर जाता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि इंजेक्शन वगैरह घुटनों में भी लगाते हैं। हाँ, अब ये तो इनकी बात हुई, इनकी समस्या। मुझे और बताइए कि आपका डेली जो रूटीन था वो कैसा था जब आप दर्द होता था? क्या आप जैसे घंटों यहाँ काम करते होंगे लेकिन दर्द की वजह से खड़े नहीं रह पाते होंगे तो फिर आराम घर पे जाके कर लेते होंगे, ये सब तब्दीली आई थी ज़िंदगी में? हाँ, बहुत तब्दीली आई थी। यहाँ भी बैठ जाता था मैं, आने के बाद में काम नहीं करता था, बैठा रहता था बस, ये। मतलब आपके कारोबार पर भी फ़र्क पड़ता था? हाँ, कारोबार फ़र्क पड़ता था, आने में टाइम टेबल का ही सारा खराब हो गया था। अच्छा, फिर हकीम साहब से आप कैसे जुड़े, कैसे मालूम हुआ, किसने बताया? वो तो मैं एक बार मोबाइल देख रहा था, मोबाइल के अंदर देखा तो मैंने ठीक है सोचता रहा, फिर एक दिन मैंने फ़ोन लगा ही दिया। आखिर फ़ोन लगाई तो फिर बात हुई, तो फिर तो उनको आपने समस्या बताई? हाँ, मैंने बताया ये चीज़ है, उम्र पूछा मैंने, उम्र बताया, तो बोले ठीक है आप ये लो। मैंने ठीक है। कौन सी दवा का सलाह दिया आपको, मशवरा दिया? काला गोंद को दिया। गोंसिया। अच्छा, तो आपने वीडियो देखा मोबाइल में, हकीम साहब पर या उनकी दवा पर कैसे विश्वास किया और क्यों विश्वास किया आपने? वो जब इतने मरीजों को देख रहा कि इतना फ़ायदे हो रहे हैं तो मैंने चलो लेके देखते, कोई बहुत नहीं है, डॉक्टर को भी जाओ तो 1000 रुपये वैसे लग जाते हैं जांच वाँच के अंदर, तो मैंने इतने पैसे में कोई दिक्कत नहीं मिली, तो फिर मैंने मंगवा लिया। तो वो विश्वास पर खड़े उतरे हकीम साहब? हाँ, बिल्कुल खड़े उतरे। घुटनों के दर्द में अब आपको कितना फ़ायदा है और कितना % आराम है? घुटनों के दर्द में पहले तो फ़ायदा नहीं हुआ था मेरे को, उसके बाद में जब मैंने जामुन का गोंद लिया उसके बाद में फिर मेरे को फ़ायदा हुआ इसका। जामुन का गोंद आपने शुगर के लिए लिया? शुगर के लिए लिया। मैंने पूछा था हकीम साहब, बोले कि साहब पहले शुगर कंट्रोल होगी उसके बाद में काम करेगी। अच्छा, हाँ, तो शुगर कंट्रोल हुई? शुगर कंट्रोल हो गई। तो कितने महीने में फ़र्क पड़ा आपको? ये मेरे को 2 महीने हो गए। 2 महीने से आप गोंसिया ले रहे हैं? 2 महीने से ले रहे हैं। कितना % फ़र्क पड़ा होगा? है करीब 50% है। 50% है। यानी वो कौन से ऐसे काम थे जो आप करना आपने बंद कर दिया था, नहीं हो पा रहे थे और अब होने लगे? काम तो ये परेशानी तो थी, हर चीज़ में बैठने उठने में चलने में सब चीज़ में परेशानी थी, अब वो अब नहीं है मेरे को बिल्कुल। तो अभी आप बैठ उठ पाते हैं, दिखाएंगे हमें? हाँ जी, दिखाइए। पहले नहीं बैठ पाता था मैं। अच्छा, बहुत जोर आता था,
मतलब उठ भी नहीं पाते थे। उठ भी नहीं पाता था। अच्छा, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे या वेस्टर्न? हाँ, इंडियन का। बड़ी मुश्किल से बैठता था मैं। अच्छा। मैं जानता था यहाँ। मतलब कितना दर्द होता होगा? हाँ, बहुत दर्द होता था। मतलब तो फिर आपने अब इंडियन इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट या वेस्टर्न? इंडियन अब कर लेते हैं, अब वो तकलीफ नहीं होती? अब वो तकलीफ नहीं। कितनी बार उठ बैठ करके हमें दिखा सकते हैं अभी? माफी चाहता हूँ मैं आपसे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। बस बैठ जाइए बैठ जाइए, काफ़ी है, हम ज़्यादा आपको थकाएंगे नहीं, क्योंकि 61 साल नहीं पाता था मैं पहले, ऐसे बैठ ही नहीं पाता था। मतलब ऐसे आप उकड़ू भी नहीं बैठ पाते घुटनों के बल? सारा लेके भी थोड़ी देर बैठ पाता था। माशाल्लाह, ये देखिए, ये हम नहीं कह रहे, आपको करके दिखाया रईस साहब ने, और ये सिर्फ 2 महीने में फ़र्क है। 2 महीने में गोंसिया जो खाया इन्होंने, ये तो 50% आराम है अल्हम्दुलिल्लाह इनको, जो ये बता रहे हैं। और आप देखिए कि कितनी बार उठक बैठक इन्होंने कर ली। इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दर्द नहीं होता? नहीं, कोई दर्द नहीं। अच्छा, आप दौड़ भी लगा लेंगे हम कहेंगे आपसे तो? हाँ, अभी नहीं लगवाएंगे, थोड़ी देर बाद लगवाएंगे। लेकिन ये इसलिए क्योंकि ये रईस साहब जो हैं हम सब के लिए प्रेरणा साबित होंगे, क्योंकि हज़ारों लाखों मरीज़ हैं जो हर दूसरे घर की कहानी आज के दौर की, कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हर आदमी पीड़ित है डायबिटीज़ से, और इस तरह की समस्या हैं कि इलाज करवा करवा के पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, पैसे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे, बिस्तर पर पड़ चुके हैं, ज़िंदगी और उनका जो जीवन है पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन रईस साहब और ऐसे लाखों लोग जो हकीम साहब से जुड़े, उनकी सच्ची कहानी दिखाने के लिए हम इतनी दूर से आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी जगह पर पहुंचते हैं, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि हम आपसे कतई झूठ नहीं कह रहे। हम आपको सामने दिखा रहे हैं, रईस साहब बैठे हैं जिन्होंने 2 साल से घुटनों के दर्द की दवाई नहीं ली, लेकिन परेशान बहुत थे, और 2 महीने से जब हकीम साहब का गोंसिया खा रहे हैं, तो फिर इनकी परेशानी देखिए आपके सामने उठक बैठक करके, जो ये बता रहे हैं कि सहारा लेके भी थोड़ा सा बैठ पाते थे बस, और वैसे तो बैठ ही नहीं पाते थे, और अब इतना माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इस तरफ आइए, क्योंकि आपका काम जो है वो कटिंग का है, है ना? आप अपनी जगह पे पहुँचिए। तो देखिए, रईस साहब टेलर हैं, इनका कटिंग का काम है, और ख़ास तौर पर खड़े रहने का काम है, मेहनत का काम है। जितने सुबह से लेकर रात तक ये काम करते होंगे, कटिंग करते होंगे, इसी टेबल पर करते हैं? हाँ जी। तो कितने घंटे आप खड़े रहते हैं? मेरा है करीब 12 घंटे का है खड़े रहने का। 12 घंटे का खड़े रहने काम, और कितने सालों से आप कर रहे हैं ये? मेरे को हो गए करीब 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ जी। यानी 40 साल से ये खड़े रहकर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगा कि खड़े रहने की वजह से आपके घुटनों कमर में प्रॉब्लम हुई थी? हाँ, मैंने ये सोचा, मैंने ये हो सकता है कि खड़े रहने की वजह से ज़्यादा है। तो अब कितने घंटे खड़े रह लेते हैं? अब वही 12-14 घंटे खड़े रहता हूँ। और जब गोंसिया नहीं ले रहे थे तब क्या आलम था? जब तो मैं बैठ जाता था, काम नहीं होता, खड़ा नहीं हो पाता था। ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाता? ज़्यादा देर नहीं हो पाता, थोड़ी देर खड़ा हुआ फिर बैठ गया, तो खड़ा हुआ फिर बैठ गया, ये था। अब 10 से 12 घंटे खड़े हो रहे हैं। हाँ जी। तो रईस साहब, इसके अलावा आ जाइए, अब इधर आइए। घर से आप, यहाँ से घर कितना दूर है आपका? घर है करीब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, तो आप स्कूटी से आना जाना करते हैं? हाँ जी। पैदल चलना होता है आपका? हाँ, पैदल शाम को खाना खा के टहलता हूँ। कितनी दूर टहलते हैं? ये करीब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो जब घुटनों में परेशानी थी तो आप चल पा रहे थे, वॉक कर पा रहे थे? नहीं, नहीं चल पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मतलब चलना बंद हो गया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप शुगर की बात करें, क्योंकि आपने बताया कि आपको शुगर भी थी, तो आपने शुगर के लिए कौन सी दवाई ली? शुगर के लिए ली जामुन का गोंद और जैतून का सिरका। अच्छा, जैतून का सिरका लिया हकीम साहब से और जामुन का गोंद लिया? जैतून का सिरका लिया। अच्छा, ये हकीम साहब कहे तो ख़त्म होने को है तकरीबन? हाँ, वो तो अभी नई बोतल घर रखी है ना, घर यहाँ से तो पी के जाता हूँ, वो है शाम को। जी, ये पी के जाते हैं आप? हाँ जी। दिन में कितनी बार पीते हैं? सुबह शाम। सुबह शाम। ये भी हकीम सुलेमान खान साहब का जैतून का सिरका है जो इन्होंने शुगर के लिए लिया। तो शुगर कितनी थी आपकी? शुगर थी करीब 350। 350। इसमें कहते हैं ना कि फास्टिंग और नॉन फास्टिंग होती है? नहीं, तो यानी आपकी 350 शुगर थी। अब ये जब, ये कब से ले रहे हैं आप इसको? भी 2 महीने हो गए लेते हुए। 2 महीने हो गए? तो 2 महीने में कितना, आई बैठी है, 2 महीने में आपको कितना फ़र्क दिखा? 2 महीने में अब ये आ गई इसकी 151 आई है मैंने नापी थी। 151 आई है, मतलब कंट्रोल रहती है? कंट्रोल है, अब तो कंट्रोल है। हाथ पैरों में दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फ्री है मेरे को। अच्छा, होता क्या था आपको, क्या क्या होता था, तकलीफ क्या क्या होती थी? हाथ पैरों में दर्द रहता था, सुस्ती रहती थी बदन में पूरी, बैठने उठने में परेशानी ये थी। अच्छा, हकीम सुलेमान खान साहब जिनकी दवाइयों से या जिनके जुड़ने से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, आप क्या तासुरात उनके लिए रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो आपको सुन रहे हैं?
अल्लाह ने जरिए बना के साहब भेजा साहब उनको बहुत बहुत दुआ दे देना चाहता हूँ साहब, बहुत बढ़िया है आपकी दुआ। रईस साहब, हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप वॉक कर लेते हैं, आपने कहा आप दौड़ लेते हैं, जो शख्स खड़े नहीं रह पाता था अब वो दौड़ने की बात कर रहा है। बहुत लोग आपको देख करके हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाए और आप ज़रिया बन जाए उनकी सेहत का, तो हम आपसे चाहेंगे कि हम आपको, आप मुझे दिखाइए कैसे आप दौड़ सकते हैं या भाग सकते हैं दुकान के बाहर, या किस कितना तेज़ चल सकते हैं, आइए। कमाल है, कमाल है, 61 साल के माशाल्लाह, मैं तो यही कहूँगा। रईस साहब देखिए, वहाँ तक दौड़ लगाई, सांस फूल जाती है, आपकी सांस फूल रही है? नहीं सर। नहीं, 61 साल के हैं माशाल्लाह, आपके सामने दौड़ लगाई और घुटने ऐसे थे कि चल नहीं पाते थे, जान नहीं थी घुटनों में, खड़े नहीं हो पाते थे बहुत देर तक, और आप देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उठक बैठक भी हमने इनको दिखाया करके, एक बार और दिखा दीजिए। वाह वाह, बस 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 बस, माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन क्योंकि आपको दर्शक देख रहे हैं और आप विश्वास ज़रूर करेंगे इस बात पर, हम नहीं कह रहे आपके सामने दौड़ लगा के, ये 2 साल से घुटनों के दर्द से इतने परेशान थे कि खड़े रहना मुश्किल हो गया था। 2 महीने में जयपुर के रहने वाले रईस अहमद साहब विवेकानंद कॉलोनी में रहते हैं, ये पूरा मोहल्ला जानता होगा आपकी तकलीफ़ को, जानता होगा? हाँ जी, हाँ जी, सबको पता होगा। हाँ, और आज पूरा मोहल्ला देख रहा है, देखिए इनको दौड़ लगाते हुए। बहुत शुक्रिया रईस साहब, और हम यहाँ पर आए, आपसे मुलाकात हुई, हमारे दिल को बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। तो रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप किसी और मरीज से आपको मिलवाएंगे, उनके जीवन में किस तरह का बदलाव हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ने के बाद आया है ये आपको बताएंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप सब रखिए अपना ख्याल, आदाब, नमस्कार।